नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा नल के दो पुत्र थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया, विधि अनुसार पूजन कर उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में बंधा वो डोरा देखा तो पूछने लगे, दमयंती इन सोने के जेवरों के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, महाराज ये दशा माता का डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया। रानी बोली, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में रुकवाओ, हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी बोली, महाराज इस समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुँचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, दुखी हाल पैदल ही चला आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वह वहां से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, दमयंती मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा बोलकर वो चले गए। जब राजा वापस आए तो रानी ने कहा, महाराज पके हुए तीतर तो हांडी से भी उड़ गए। राजा ने कहा, दमयंती मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप कर वहां से आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में कोपलें फूट रही हैं। वो उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? तब राजा नल बोले, हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, महाराज पानी में बार बार क्या आता है जिसे आप वापस फेंक देते हो? राजा नल बोले, दमयंती पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ ना जाने कहां से बार बार आ जाती हैं। रानी बोली, महाराज इस बार अगर आपके पानी में कुकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोले, दमयंती पहले ही तुम्हारे इस कामन कुमन से हमारी यह दशा हो गई,
अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो? इस बार फिर राजा के पास पानी में हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी आई। तब राजा ने रानी दमयंती को वह दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, दमयंती, इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली, महाराज, आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोले, क्या हुआ दमयंती, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। ऐसा कहकर राजा स्वयंवर में पहुँच गए। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहना दिया। नगर के राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से नहीं करूँगा। फिर एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और शायर ये घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और शायर घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, वो माली का नौकर कहाँ है, उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया। शिकार का पूछा तो राजा ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थीं, तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, नगर, क्या हमारे नगर भी है? तब रानी दमयंती बोली, अपन नरवल कोट के राजा हैं, अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी घोड़े हीरे जवाहरात लेकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें एक महिला के पास अपना पोता भी मिल गया। वह बोली, यह तो मेरा बच्चा है, मुझे नदी के किनारे मिला था। उन्होंने उस महिला को खूब हीरे जवाहरात देकर पोते को लेकर आगे। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन बोली, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। भाभी बोली, नहीं बाईसा, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े हुए चावल निकाले तो वह बेशकीमती हीरे मोती बन गए। उन्हें ननद को देते हुए बोली, बाई जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। उसे खबर पहुंचाई गई, सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया। खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का नौलखा हार उगल दिया। राजा अपने मित्र से बोले, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुँचे
और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ है नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुंचाई, आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया। राजा नल का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, जैसे पहले राजा नल रानी दमयंती के ऊपर भीखा पड़ा, वैसे किसी पर भी ना पड़े और बाद में उन पर जैसी कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर करना। जय दशा माता।